अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्ला और आज की इन रेड वेलवेट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी जेसन मॉडल के ऑब्जेक्ट के लिए पोजो क्लास क्रिएट की थी, इसको बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं जेसन स्ट्रिंग से एक स्ट्रांगली टाइप जावा ऑब्जेक्ट के अंदर, और किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को एक इंटेंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं अपनी इंटेंट सर्विस से मेन एक्टिविटी के ऊपर, और किस तरीके से उसको एक लिस्ट के अंदर इनके सिटी नेम्स शो करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सएप एवरीवन, सैफुल्ला हियर अगेन, और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो इंटरनेट से जेसन स्ट्रिंग डाउनलोड कर रहे हैं उस जेसन स्ट्रिंग में बेसिकली हमारे पास मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरह उन सारे के सारे जेसन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम इस सिटी आइटम के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉडल क्लास किस तरीके से हमने जेसन से मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, अब हम जेसन से स्ट्रांगली टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास के। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो जेसन लाइब्रेरी गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड हमें वो यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हमने वैसे देखा भी हुआ है, तो जाएंगे अपने फाइल सेटिंग फाइल के ऊपर और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऐप मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसीज, और यहाँ पर मेरे पास प्लस आइकन है विंडोज़ के ऊपर, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्लस लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, और यहाँ पे सर्च करेंगे जेसन JSON और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने देखा हमें जो लाइब्रेरीज हैं डिफरेंट वो आ गई हैं, लेकिन हमें जो चाहिए उसके लिए मेक श्योर कर लें कि com.google.core.json गूगल की तरफ से है ये, तो जो भी आपको वर्जन मिली है वो ले लें, ये हमेशा मोस्ट रिसेंट वर्जन ही यहाँ पे हमारे पास आता है। ओके, तो मेरा एक दफ़ा प्रोजेक्ट जो है वो सिंक होगा। तो आपने देखा मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो गया, इसको क्लोज करते हैं। तो मैं जाऊंगा, इसको क्लोज करूंगा सिटी डेटा आइटम को, और जाऊंगा अपनी इंटेंट सर्विस के ऊपर, और जहाँ पे हमें बेसिकली अब डेटा रिसीव हो रहा है, मैं यहाँ से यहाँ पे अब बेसिकली मैंने जेसन लाइब्रेरी है जो अपनी उसको यूज़ करना है, तो जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा अगेन com.google.json से हमारे पास जेसन न्यू जेसन, और एम्प्टी कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा। अब मैंने बेसिकली क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिटी आइटम्स की रे चाहिए, और यहाँ पे इसको कह दूंगा सिटी आइटम्स, क्योंकि बेसिकली अगर गेन में अपनी जाऊँ सर्विस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एंगल ब्रैकेट और जेसन के अंदर एंगल ब्रैकेट हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रे को रिप्रेजेंट करती है, और वैसे भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से लेके एक कर्ली ब्रैकेट से लेके यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, उससे आगे हमारे पास फिर इस यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है, मल्टीपल हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए अब मैंने मैथड क्या कॉल करना है, json.from json भी हमारे पास है और to json भी है। टू जेसन तो यह है कि अगर आप जावा के ऑब्जेक्ट से जेसन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो हम बेसिकली फ्राम जेसन करेंगे, तो और जो जेसन स्ट्रिंग होगी उसके लिए डेटा को पास करूंगा डेटा, और किसके अंदर कन्वर्ट करना है यहाँ पे आपने बेसिकली वो मॉडल क्लास के पास करनी होती है। तो नॉर्मली फिर मैं नॉर्मली अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो आप पास करेंगे सिटी आइटम डॉट क्लास, लेकिन चूंकि हमारे पास अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं क्या पास करूंगा सिटी आइटम, और यहाँ पर मैं बेसिकली एरे एनोटेशन दूंगा। अगेन मैं यहाँ पे सिटी आइटम्स की एरे पास नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो भी ये डेटा के अंदर जेसन की स्ट्रिंग है इसको सिटी आइटम्स टाइप की एरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें, तो मुझे यहाँ पे वो एरे मिल जाएगी, मैं उसको यहाँ पे जो है वो सिटी आइटम को पास कर दूंगा, और यहाँ पे जो है वो मैं पैरामीटर यहाँ पे चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने डेटा सेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेंट को डेटा सेंड करने के दौरान मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि बेसिकली मेरी इस क्लास में सिटी आइटम ने पार्सलेबल इंटरफेस को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो कोई भी क्लास जो मॉडल क्लास हमारे पास पार्सलेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है उसको बेसिकली हम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंटेंट एक्स्ट्रा सेंड कर सकते हैं इजीली। सिंपल मैंने यहाँ पे ये देखना है, मेरे पास यहाँ पे अगर एरर आएगा तो सिंपल मैं इसको रिमूव करूँगा और सिंपल यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, तो मेरा यहाँ पे ये कोड है कम्प्लीट हो गया। अब राइट नाउ अगर इतने कोड को रिटर्न करूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो एक यहाँ पे एक मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और डिबग करूंगा अपनी एप्लीकेशन को, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे पास जो कन्वर्जन है वो हो चुकी हुई है, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूआई के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो एप्लीकेशन हमारे पास रन होना शुरू हो गया, नेटवर्क ट्रू आ गया हमारे पास, क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास जो है वो सिटी डेटा आइटम्स इनिशियलाइज हो चुकी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ सिटी स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ तो ये हमारे पास मेथड आ गया, अगर मैं जाता हूँ सिटी आइटम्स के ऊपर इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो आपने देखा मेरे पास सिटी आइटम की एरिया में 13 एलिमेंट्स हैं, इसको ओपन करूँ तो आपने देखा हमारे पास 0 से लेकर 12 तक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और सिटी आइटम्स, और कोई भी एक ओपन करता हूँ तो हमारे ऊपर हमारे पास जो सक्सेसफुली जावा की क्लास के अंदर हमारी जेसन कन्वर्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट, आपने देखा सिटी नेम डिस्क्रिप्शन आईडी इमेज पॉपुलेशन प्रोविंस रैंक और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर उसकी आपकी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, अदरवाइज आप यहाँ पर भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा जो बेसिकली डेटा हमारे पास वो जेसन रे आ रही है यहाँ पे,
सिंपल आप देख सकते हैं हमारे पास, और उसको बेसिकली हमने सिटी आइटम्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी आइटम्स की एरे, और उसके अंदर हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो स्टॉप करता हूँ डीबग को। तो जब हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा हमारे पास आ गया, ब्रेक पॉइंट भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड कर रहे हैं मेन एक्टिविटी को। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अब जो हमारे पास कोड होगा, अब यहाँ पे मैं इस कोड को रिमूव करूँगा। अब बेसिकली मैंने रिसीव क्या करना है, मैं रिसीव करूँगा सिटी आइटम्स की अरे, सिटी आइटम्स। अब मैं यूज़ करूँगा अगेन इंटेंट, इंटेंट कॉल करूँगा इंटेंट डॉट गेट पार्सलेबल एरे एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने पार्सलेबल ऑब्जेक्ट्स की एरे लेनी है। तो यहाँ पे गेन यूज़ करूँगा माई इंटेंट सर्विस डॉट सर्विस पेलोड। अब यहाँ पे हमें जो है वो कास्टिंग खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गेट पार्सलेबल एरे एक्स्ट्रा है, ये बेसिकली हमें जो है वो पार्सलेबल ऑब्जेक्ट्स की जो है वो एरे रिटर्न करता है। तो हमें खुद जो है यहाँ पे कास्ट करना पड़ेगा सिटी आइटम्स के अंदर। यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा सिटी आइटम आइटम इन सिटी आइटम्स, और हर एक आइटम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लॉग आउटपुट को यूज़ करूँगा, और मैं शो क्या करवाऊँगा आइटम डॉट गेट सिटी नेम, और उसके साथ कंकैटिनेट कर दूंगा मैं न्यू लाइन फीड। तो हर एक आइटम जो होगा सिटी आइटम होगा, उसका नेम हमारे पास यहाँ पे शो होगा, और उसके साथ ही बेसिकली न्यू लाइन फीड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन राइट नो, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास सिर्फ हमें लास्ट सिटी का जो नेम है वो शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली सेट टेक्स्ट किया हुआ है। तो सेट टेक्स्ट की बजाय बेसिकली हमें अपेंड कॉल करना पड़ेगा। तो अब अगर एप्लीकेशन को रन करते हैं, आपने देखा हमारे पास नेटवर्क ट्रू है, क्लिक करेंगे रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास सक्सेसफुली जो जितने भी हमारे 13 सिटीज़ थे उनके नेम हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर शो होना शुरू हो गए हैं। ये हम जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी जीसन लाइब्रेरी के थ्रू स्ट्रांगली टाइप जावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, पोजो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और उन पोजो क्लास के मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम पार्सलेबल इंटरफेस के थ्रू अपनी इंटरनेट सर्विस से ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू सेंड करें मेन एक्टिविटी को, और वहाँ से हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम सक्सेसफुली जो है वो डेटा को डाउनलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीसन फ्रॉम एनी रेस्ट एपीआई रेस्ट वेब सर्विस, और उसे फिर उसको मॉडल क्लास के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मॉडल क्लास को फिर हम जो है वो यूआई तक लेके आते हैं। तो सक्सेसफुली अभी तक हमने जो अपना काम था मेन टारगेट वो अचीव कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से भी ये काम हमारा जाता रहेगा। कुछ वीडियो के बाद फिर हम जो है वो जाएंगे इसी डेटा को रिसाइक्लर व्यू के अंदर शो करवाएंगे, फिर क्लिक के ऊपर रिसाइक्लर व्यू के क्लिक के ऊपर डिटेल डेटा को भी शो करवाएंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने इमेजेस को डाउनलोड करना रिसाइक्लर व्यू के ऊपर फ्रॉम द इंटरनेट, वो भी डिटेल में काम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगेन हमने सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर जो मॉडल क्लास क्रिएट की थी इसके ऊपर पार्सलेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हमने ये किया कि सबसे पहले हमने जो है वो अपनी इंटेंट सर्विस के अंदर जहाँ पे हमें जेसन स्ट्रिंग मिल रही थी, उस जेसन स्ट्रिंग को जेसन लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट को पास किया फ्रॉम जेसन मेथड को, और फ्रॉम जेसन मेथड बेसिकली जो जेसन स्ट्रिंग हम इसको देते हैं और जो हम इसको टाइप देते हैं दोनों जेसन स्ट्रिंग को उसके अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने इसको सेंड किया इन द फॉर्म ऑफ इंटेंट एक्स्ट्रा, चूंकि हमने अपनी सिटी आइटम की क्लास के अंदर पार्सलेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ था, इस वजह से हम जो है सक्सेसफुली इसको इंटेंट के एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर सेंड कर सकते, अदरवाइज हम इसको एज एन इंटेंट एक्स्ट्रा सेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट बेसिकली क्या किया हमने कि यहाँ पे हमें जो है वो इंटेंट एक्स्ट्रा रिसीव हुए, हमने गेट पार्सलेबल एरे एक्स्ट्रा को कॉल किया और एरे सिटी आइटम्स की एरे हमें मिली, तो यहाँ पे सक्सेसफुली इसको हमने शो करवा लिया। तो गाइज इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। मेरा ईमेल एड्रेस भी नीचे दिया गया, आप वहाँ पे भी मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अगेन ये प्रोजेक्ट सारे जितने भी हैं मैं आपको बता तो नहीं रहा खुद तो नहीं बोल के, लेकिन यहाँ पे कहीं कि आप वीडियो के एडिटिंग के दौरान जो है मैं ऐड कर दूंगा कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जितने भी मैंने क्रिएट किए हैं, ये वाले प्रोजेक्ट और थ्रेडिंग के फायरबेस वगैरह के, वो सारे के सारे मेरे गिटहब रिपॉजिटरी के ऊपर अवेलेबल हैं। तो मैं लिंक उनका नीचे आपको दे दूंगा, मैं मेन रिपॉजिटरी का लिंक आपको दूंगा हर एक प्रोजेक्ट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लॉग रिपॉजिटरी क्रिएट की होती है नंबर के साथ, तो जिस वीडियो में जो सी रिपॉजिटरी हम यूज़ कर रहे होते हैं वो नंबर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आप मेरा कोड देखना चाहें, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप लोगों की फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। तो मिलता हूँ हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।